गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 2nd जून 2023। जैसे जैसे डेट सेलिंग का इश्यूज नॉर्मलाइज हो रहा है एंड कल ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो चुका है, आपका डॉलर इंडेक्स में काफी सॉफ्ट हो चुका। अभी नेक्स्ट 5th ऑफ जून को हाउस ऑफ दैट मीन सीनेट से पास होने वाला है। जैसे ये पास हो जाएगा और फिर फर्दर सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी देखना है सीनेट में इसका क्या होता है। अभी डॉलर इंडेक्स है 103.5। तो आपका ये जो इमीडिएट 103.50 एंड 103.75, ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है। क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है या फर्दर नीचे की तरफ आता है? फर्दर अगर नीचे की तरफ आता है तो 102.75 से 103.00 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। आज इंपॉर्टेंट है एनएफपी डेटा। एनएफपी डेटा अगर एम्प्लॉयमेंट डेटा अगर इतना बढ़िया नहीं आता है, देन इन सच ए केस फोर्थकमिंग आपका जो रेट हाइक्स है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इन सच ए केस पॉज, मार्केट विल स्टार्ट मींस टॉकिंग अबाउट द पॉज। इन सच ए केस इंडेक्स आपका 102.7080 लेवल्स में आने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। तो नेक्स्ट पर आओ, आज शाम का एनएफपी डेटा है। डॉलर रुपी में जैसे ही आपका इधर सॉफ्टनेस आया, डॉलर रुपी में भी सॉफ्टनेस आ चुका है। जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट है दैट इज एट 82.25 से 82.30 लेवल्स में, उसके वहीं पे आके रुका हुआ है डॉलर रुपी। जैसे कि आप देखोगे जो आपका ये जैसे ही आपका ये लेवल्स आपका 82 पॉइंट आपका ये वाला लेवल्स तोड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव जो था आपका 82.50, दो लेवल्स जैसे तोड़ा, डॉलर रुपी में अच्छा खासा सॉफ्टनेस। यहाँ पे वंस अगेन 82.80 से 83.00 सीम टू बी ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। दैट बीइंग द केस अभी ग्रेजुअली आप ये इट इज हेडिंग फर्दर डाउन टुवर्ड्स 81.80 की तरफ। अभी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहा है बोथ इन आवरली एज वेल एज इन आपका डेली में। मेरा जो करेंसी फ्यूचर के एक एनालिसिस था आवरली बेसिस पे, कौन सा कंडीशंस पे हम सेलिंग के लिए तैयारी करेंगे, तो एक नजर डाल लेते हैं। जो 22nd मई पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मैंने डॉलर रुपी का आवर्ली चार्ट में एनालिसिस किया था, उस टाइम पे क्या बताया था? तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं आवरली बेसिस में कैसे हमने ऑलरेडी इंडिकेशंस दिया था। जब आपका डॉलर रुपी 82.7580 के आसपास एंड फॉलो थ्रू हो रहा है, अभी जो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है आपका 82.25 से 82.35 के बीच। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि प्रीवियसली यही एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस। ये जो लेवल है ये लेवल को प्रीवियसली एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस, इसीलिए आप देखोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन यहाँ पे अच्छा खासा रेस्पेक्ट किया था, उसके बाद जाके फोड़ दिया था, तो इट हैज बिकम ए सपोर्ट लेवल। अभी ऑल दो आप देखोगे कि ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी ये नीचे आ चुका है, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में 9 बजे जब चालू होगा उसके बाद इस रेंज को तोड़ना चाहिए। वंस ये रेंज तोड़ेगा एंड
आपका ये बरकरार रहेगा, लोअर हाई लोअर लो, तब तक डॉलर रुपी शॉर्ट में आप चल सकते हो। एंड इमीडिएट जो हमारा टारगेट हो सकता है 81.75 से 82.6, जो मींस लग रहा है कि आ रहा है। अभी आते हैं हमारा जीबीपी डॉलर में। कल जो हमारा एनालिसिस था, हमारा हमको ये देखना था कि क्या आपका प्राइस एक्शन सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या ऊपर की तरफ फोड़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा। एंड ड्यूरिंग द डे क्या हुआ, आपका जीबीपी डॉलर फोर के ऊपर की तरफ चला गया है। अभी एक अलर्ट है, क्या अलर्ट है, आप देखोगे आरएसआई जो है ये 60 के नजदीक है, 57.5। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट डालेंगे इस लेवल से इस लो तक, तो कहाँ पे आके अटका है, 61.8% पे आके अटका है। 61.8% ऑफ दिस एंड दिस, यानी आपका 19th में एंड आपका 25th में, ये दोनों का जो हाई एंड लो है उसका 61.8% रिट्रेसमेंट हुआ है। अभी भी नेगेटिव कैंडल दिखा नहीं, बट इसमें हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। उसका मेन रीजन एक तो है 61.8%, दूसरा वाला है आरएसआई। रेजिस्टेंस अभी तक दिया नहीं है, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेसिंग रेजिस्टेंस, सो यहाँ पे हमें एक अलर्ट होना है। ये अलर्ट किसके साथ लिंक्ड है, ये डॉलर इंडेक्स के साथ। क्या डॉलर इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ फर्दर फॉल करेगा? अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाता है, इन सच केस जीबीपी डॉलर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। अगर ये इसको फोर के नीचे की तरफ चला आता है टुवर्ड्स 102.75 के लेवल की तरफ, इन सच केस यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा नहीं, एक दूसरे के साथ होगा। येन आईएनआर, जीबीपी आईएनआर में कल एक अच्छा सा आपका ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो देखने वाला चीज है प्राइस एक्शन रिजेक्शन बोथ एट लोअर एंड एंड एट हायर एंड। कल मॉर्निंग का जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमें ये देखना था कि सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस अगर लेता है देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि जीबीपी आईएनआर में मूव टुवर्ड्स 101.80 के तरफ जाएगा, लेकिन कल रेजिस्टेंस दिया नहीं, रेदर ऊपर चला गया है। यहाँ पे वंस अगेन हमें देखना है आरएसआई इज अप्रोचिंग 60। ऑल्सो यहाँ पे जो आपका ये दोनों का जो स्विंग है वो 61.8% के आसपास अटका हुआ है। ना 61.8 को तोड़ के ऊपर चला गया, नॉट लाइक द जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में परफेक्टली 61.8% रहता, तो यहाँ पे एक तेजी देखा गया है। एंड अभी आरएसआई इज द ओनली मींस रीजन जहां पे अगर रेजिस्टेंस लेगा तो हमें शॉर्ट कर सकते हैं, एल्स फिबोनाची इज नॉट गिविंग द सिग्नल। यूरो डॉलर पे कल अच्छा खासा, यहाँ पे अच्छा खासा नेगेटिविटी था, आरएसआई बिलो आपका 40 था, लेकिन कल एक इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया कि आरएसआई वापस 40 के ऊपर चला आया है। अभी देखने वाला बात ये है कि आपका यहाँ पे डाइवर्जेंस, 3 बार डाइवर्जेंस यहाँ पे, ये वाला कैंडल दैट इज 29th में वर्सेस 31st मई में एक 3 बार डाइवर्जेंस कैंडल बनाया हुआ है आरएसआई टर्म्स में, जो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। दैट बीइंग द केस कीपिंग दिस एज लो, कौन सा आपका ये जो स्विंग है 31st मई का स्विंग लो है, इसको एज ए स्टॉप लॉस अगर देखें रखेंगे तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यूरो डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.0950। ये डेली चार्ट में है तो इंस्टेंटली इंट्राडे में जाएगा नहीं, ग्रेजुअली जाने का पॉसिबिलिटीज है। अभी ट्रेड के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, आप देखोगे कि डेली आरएसआई बिलो 40 से अबो 40 क्या है, तो आपका एंड आरएसआई आवरली पे ऑलरेडी आपका 60 के ऊपर है, फिर
जब जब ये 60 के नीचे आरएसआई आएगा फिर अबोव 60 जाएगा, समथिंग लाइक दिस। नीचे 60 के नीचे आएगा यानी अबोव 60 आएगा, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलता है एंड दैट मे गिव ए गुड रिस्क रिवार्ड टू प्ले फ्रॉम द बाइंग साइड। अभी एक ही हर्डल है यूरो डॉलर पे, क्या हर्डल है आप देखो, खुद देख लो, ये जो पहले का जो स्विंग लो था पर चला गया है। दिस वन यहाँ पे आके अटका हुआ, तो ये जो लेवल है अभी जो रेजिस्टेंस एरिया पे आ चुका है, अभी आज आफ्टर एनएफपी डेटा क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा? इट इज एसोसिएटेड विथ डॉलर इंडेक्स का ये लेवल, कौन सा लेवल आपका ये लेवल, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो यूरो डॉलर रिवर्स करेगा, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेके फर्दर नीचे की तरफ आएगा तो आपका यूरो डॉलर फोर के ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना है, अगर यूरो डॉलर पे ट्रेड करना है तो जैसे जैसे आरएसआई अबव 60 से बिलो 60 आएगा एंड उसके बाद फिर क्रॉसओवर देगा अबव 60, दोज आर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये हो गया आपका यूरो डॉलर पे। यूरो आईएनआर पे भी अच्छा खासा नेगेटिविटी था, इवन कल हम नेगेटिव मींस प्ले फ्रॉम द शॉर्ट साइड ही देख रहे थे, लेकिन कल का जो आरएसआई है अबोव 40 चला गया है एंड आल्सो देयर इज अ डाइवर्जेंस। आप देखोगे 29th में वर्सेस 31st में का एक 3 बार डाइवर्जेंस, 3 बार डाइवर्जेंस बहुत ही खतरनाक खतरनाक होता है। क्या होता है, जैसे इसके नेकलाइन के हाई के ऊपर जाएगा, आई विल शो यू मींस व्हाइल डिस्कसिंग द करेंसी एनालिसिस आई एम डिस्कसिंग द ट्रेडिंग रूल्स आल्सो, ताकि आप लोग जैसे ही मेरा एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना चालू करोगे तो आप लोगों को ए टू जेड पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका 31 मई का हाई नेकलाइन, इसके ऊपर क्लोज देने से देन ये ट्रिगर हो जाएगा। इन सच केस हमारा क्या क्या टारगेट हो सकता है, हमारा पहला टारगेट हो सकता है ये वाला 89.60, देन दूसरा टारगेट हो सकता है आपका 90.00, ये दो लेवल्स हमारा हो सकता है। अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है यूरो डॉलर, सॉरी यूरो आईएनआर में। डॉलर येन में एक क्रूशियल लेवल अभी तक आया नहीं है, क्रूशियल लेवल होगा ये वाला आपका 138.00। क्यों क्रूशियल लेवल होगा, यहाँ पे सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड आके रुका है एंड आल्सो सीआईपी टाइप ऑफ मींस पहले का जो रेजिस्टेंस है दैट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो क्या आने वाले दिनों में यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाएगा या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा, हमें देखना है। अभी आरएसआई जो है एक क्रूशियल लेवल पे है, अभी है 60.00। आज एनएफपी के बाद आरएसआई क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे चला आएगा या आरएसआई ऊपर की तरफ चला जाएगा, दैट विल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ डॉलर। सो हमें इंतजार रहेगा। जेपीवाई आईएनआर एक रेजिस्टेंस लेवल पे अटका हुआ है, ये लेवल पे अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज देखना है। आरएसआई जो है RSI at 40 resistance, यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस है, RSI above 60 जाके क्लोज देगा आपका ट्रेड आउट एंड अगर नीचे की तरफ जाएगा तो आप सेल में रन कर सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। डॉलर कैंडी में वही रेंज के अंदर में ही घूम रहा है, कल आपका 1.3550 के आसपास था, अभी है 1.3446, इसको रेंज के अंदर में ही अटका हुआ है। कुछ करने से let it to break out of this range then and only then we can think about further course of action। Aussie dollar में कल का analysis आप clearly देख लीजिए, एक नजर देख लेते क्या था। तो कल का जो डेली करेंसी एनालिसिस है उसमें हमने Aussie dollar के बारे में क्या डिस्कस किया था, ऑसी डॉलर उस टाइम पे 0.6519 पे था,
आपका ये हो गया कल का ऑसी डॉलर का एनालिसिस जो हमने किए थे। अभी ऑसी डॉलर कहाँ पे है? इसी रेंज में अटका हुआ है, मींस इसके रेंज में बोले तो रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक आया है। करेंटली एट 6580, तो ये रेंज के जस्ट लोअर एंड के ऊपर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स कहाँ पे है? डॉलर इंडेक्स एक कुशल सपोर्ट लेवल, इसको वो तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा तो जीबीपी डॉलर फोर के ऊपर की तरफ आएगा, यूरो डॉलर भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाता है जीबीपी डॉलर में, यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यूरो डॉलर आल्सो इज एट ए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल तो थोड़ा सा नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड पॉसिबल डॉलर इंडेक्स अगर सपोर्ट लेता है इन सच केस, ऑसी डॉलर क्या होगा? यहाँ पे दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाए। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट ना लेते हुए फेल टू टेक द सपोर्ट एंड नीचे की तरफ आ जाता है इन सच केस, आपका क्या होगा? ऑसी डॉलर में ये ऊपर की तरफ चला जाए। आज का एनएपी डेटा इज वेरी क्रुशियल इसीलिए है। तो उसके बाद एनएपी डेटा के बाद डॉलर पॉजिटिव में ये यहाँ से नीचे चला आएगा, डॉलर पॉजिटिव में ये डॉलर नेगेटिव में ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। एंड नेक्स्ट वीक में देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की ऑसी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 0.6। वो आशा करता हूँ ये जो एनालिसिस है किस तरह से हमने कल ऑसी डॉलर जब इस लेवल पे था 6515 के आसपास था, हमने कैसे एनालिसिस किया था? हमने एक शॉर्ट के लिए ऑल्दो रास्ता ओपन रखा था विथ ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे एक जो ब्रेक डाउन के बाद फॉलो थ्रू काफी रेपिडली होना चाहिए था, रेपिडली हुआ नहीं। फर्स्ट होना चाहिए था, फर्स्ट एंड फ्यूरियस होना था, लेकिन फर्स्ट एंड फ्यूरियस हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन था कि ये दोबारा ऊपर की तरफ आ जाए अपना ओरिजिनल रेंज में, तो ऑलरेडी वो हो चुका है। अभी हमें एनएपी डेटा का इंतजार है, डॉलर पॉजिटिव क्या क्या होने वाला है, डॉलर नेगेटिव क्या क्या होने वाला है, जीबीपी डॉलर में क्या होगा, यूरो डॉलर में क्या होगा, ऑसी डॉलर में क्या होगा, उसका एक इन डेप्थ एनालिसिस हमने किया है इस वीडियो पे। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। सीएनएच में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सीएनएच में काफी तेजी दिख रहा है। तेजी में ये आपका 7.1217 तक चला गया, हालांकि नीचे क्लोज दिया, अभी है 7.10। ये आपका ऊपर की तरफ रूम काफी ज्यादा है, 7.22। एक ही रेस्पाइट है, शांति है आपका। ये यहाँ पे आप अगर देखोगे प्राइस एक्शंस एंड आरएसआई, तो यही एक रेस्पाइट है। अगर सीएनएच का ये जो हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे सपोर्ट, अभी शांत 60 डिग्री ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आज या मंडे को इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है एंड उसके बाद फॉलो थ्रू होता है, तो सीएनएच में सॉफ्ट हो जाएगा। सीएनएच सॉफ्ट होगा तो रूपी भी सॉफ्ट होगा। सीएनएच में पागल की तरह अगर 7.22 की तरफ जाएगा तो रूपी में प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते। सो इसीलिए सीएनएच में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यूके ऑयल में ये ट्रिपल बॉटम, ये आपका ट्रिपल बॉटम एरिया है। अभी एक अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है, जैसे ही आपका इसके हाई के ऊपर जाएगा 78.50 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा। अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी साइडवेज टू थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। इसका मेन रीजन क्या है? टसल बिटवीन ओपेक प्लस, जहां पे एक साइड में रशिया है, दूसरे साइड में सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया कट के फेवर में है ताकि प्राइस ऊपर पुश हो जाए, एंड रशिया क्या कर रहा है, बोला कि मैं कट नहीं करने वाला, मैं एम्पल सप्लाई मार्केट में देता रहूंगा। सो बिकॉज ऑफ व्हिच यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ा सा मिसिंग है, कभी ऊपर जा रहा है कभी ऊपर नीचे जा रहा है। इस इवेंट को हमें, इस इवेंट बोले तो ओपेक प्लस का जो मीटिंग है, इसको एंड दैट स्टैंड बिटवीन रशिया एंड सऊदी अरेबिया, इस दोनों के बीच का जो स्टैंड है उसको थोड़ा सा हमें ट्रैक करना चाहिए। अगर सऊदी अरेबिया का मींस ऑयल का प्रोडक्शन कट का सक्सेसफुल हो जाता है इन सच केस,
क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा. नो ब्रेनर्स एनालिसिस इज दिस, जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस. तो हमें उस इवेंट को ट्रैक करना चाहिए. अभी यूएस टेनेट रिजल्ट 3.61, ये आपका 3.61 प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल है वहीं पे आपके अटका हुआ. प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ एक्टिंग एज ए सपोर्ट. अभी आज के सीपीआई के, आज के एनएपी डेटा के बाद अगर एम्प्लॉयमेंट डेटा खराब आया तो यूएस टेनेट रिजल्ट नीचे आ जाएगा. अगर अच्छा आया तो अगेन रेट हाइक ऑन 14th ऑफ जून का डिस्कशंस बढ़ जाएगा एंड पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएगा. इन सच केस यूएस 10-year ट्रेजरी ऊपर की तरफ, एंड यूएस 2-year ट्रेजरी सिमिलरली. हालांकि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल नीचे है दैट इज एट 4.27 एंड इट इज एट 4.34. तो आज का सो इमीडिएट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है. यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे बैठा नहीं है, थोड़ा सा रूम है, और इस 10-year पे एक एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे है. आज का जो आप देखोगे कि हाउ एंड व्हाई, हाउ डॉलर इंडेक्स, जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर एंड अदर करेंसी पेयर्स इंक्लूडिंग द ट्रेजरी यील्ड्स कैसे इंटर रिलेटेड है. हर कोई आइदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बैठे हुए हैं. यही जो कोऑर्डिनेशन है, यही जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन बिटवीन ऑल द करेंसी पेयर्स, इसको हमें देखना. करेंसी पेयर्स अलोंग विथ आपका ट्रेजरी यील्ड, इसको हमें समझना चाहिए. एक बार अगर समझ लिया, आइडिया आ गया, इसके ऊपर कमांड आ गया, तो हम प्राइस एक्शंस को सिर्फ इंडिविजुअल करेंसी पेयर्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से ना लेते हुए एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं. क्या सपोज जीबीपी डॉलर अगर रेजिस्टेंस में है, क्या डॉलर इंडेक्स इसको सपोर्ट कर रहा है या निगेट कर रहा है? यूरो डॉलर अगर रेजिस्टेंस लेवल पे है, क्या डॉलर इंडेक्स इसको सपोर्ट कर रहा है या निगेट कर रहा है? क्या यूएस 10-year ट्रेजरी इसको सपोर्ट कर रहा है या निगेट कर रहा है? अदर करेंसी पेयर्स जैसे कि आपका ऑसी डॉलर है, क्या ये सपोर्ट कर रहा है या निगेट कर रहा है एक दूसरे के साथ? उसको भी हमें देखना है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल करेंसी पेयर्स को एनालिसिस करके ट्रेड स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहिए. अगर इंडिविजुअल करेंसी पेयर पे स्टैंड अलोन एनालिसिस हम करेंगे तो सक्सेस इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, मींस प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम होगा. लेकिन आप एक दूसरे के साथ इनको रिलेट करके एनालिसिस करके आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के डिसीशंस में आओगे तो आपका सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा हो जाएगा. आशा करता हूँ आप ये एनालिसिस, मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ ये आपको समझ में आ चुका. ऑल्सो जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था, जैसे कि आपका ऑसी डॉलर का एनालिसिस किया था, वो आपको समझ में आ चुका होगा. इवन डॉलर रुपी का जो हमने प्रीवियस, कौन सा डेट का हमने किया था, 22 मई का जो रुपी का लाइन चार्ट, सिंपलेस्ट एनालिसिस, लाइन चार्ट का एनालिसिस के बेसिस पे हमने कैसे किया था कि किस लेवल के बाद, कौन सा लेवल के बाद हमें ये देखना चाहिए. एक मिनट देख लेते, और एक तो ये लाइन चार्ट इसको बना लेते हैं. किधर गया आपका? तो आप देखोगे जब यहाँ पे इस लेवल पे 22 मई, 22 मई बोले तो इस लेवल पे डॉलर रुपी था, उस टाइम पे हमने क्या किया था, क्या किया था, और एक बार हम एनालिसिस कर लेते जिनको और भी ज्यादा सीखना है, उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी आता है टेक्निकल एनालिसिस, तो उन लोगों को दोबारा ये देखने का जरूरत नहीं है. हम जब ये 22 मई को पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डॉलर रुपी का लाइन चार्ट का एनालिसिस किया था, वहां पे हमने क्या स्ट्रेस किया था, एक स्विंग लो आएगा, फिर पुल बैक करेगा, फिर लो को तोड़ेगा, लो को तोड़ा. हालांकि ये इमीडिएटली गया नहीं, यहाँ पे आ चुका था, यहाँ पे आके फिर फेल करके फिर दोबारा तोड़ा. इसको जब तोड़ा कितना ज्यादा तोड़ा, आप देखो 8260 से आपका 82.25, ऑल अभी
ये आ चुका है। यहाँ पे ये क्या आया, क्यों आया, इसका वन मोर रीजन इज दैट यहाँ पे आपका वो सीएमएच में काफी स्ट्रेंथ आ रहा था, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ पे दोबारा एक चैलेंज किया, दोबारा चैलेंज करके फिर आया। अभी व्हाट नेक्स्ट, ये तो हो गया 22 मई में हमने क्या बोला था ये हुआ, ये देखने का प्रयास नहीं है, यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस का है। यहाँ पे मेरा ये प्रयास नहीं है कि मैं कितना जानता हूँ या मैं कितना ये करता हूँ वो करता हूँ, ये मेरा प्रयास बिल्कुल नहीं है। मैं एक ऑर्डिनरी ट्रेडर हूँ, बहुत ही सिंपल सा ट्रेडर हूँ, मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन जितना भी आता है मैं आपके सामने एनालिसिस करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, 22 मई का मेरा पर्सपेक्टिव क्या था उस टाइम पे, आज है 2 जून, ऑलमोस्ट कितना हो गया 22 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी 10th ट्रेडिंग डे आज है। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहा हूँ कि क्या उस वक्त में मेरा माइंड में क्या था एंड अभी क्या है। ये हो गया उस दिन से यहाँ तक, अभी व्हाट नेक्स्ट, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये तो हो गया, हमने बोला था जो हमने सही सही बोला ये आ चुका है, तो आई वॉन्ट टू शो केस कि मैंने ये किया। लेकिन ऐसा भी कुछ कुछ है जो मेटेरियलाइज नहीं हुआ, हो सकता है 110 में 10 एनालिसिस मेरा करेक्ट नहीं जाएगा, 10 में अगर 6 एनालिसिस अच्छा जाता है या 7 एनालिसिस अच्छा जाता है, मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ। तो अभी मेरे को नेक्स्ट देखना है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में अभी हमें फिर दोबारा ये लोअर हाई लोअर लो देखना है। कब तक देखना है, जब तक ये लोअर हाई को तोड़ के नहीं चला जाता है। व्हाट आई वांट टू मीन, समथिंग लाइक दिस, जैसे ही ये लोअर हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाके न्यू हाई बनाएगा एंड उसके बाद एक हायर लो बनाएगा, हायर लो टू दिस, तो हमारा ये जो ओवरऑल 22 मई का जो 22 मई से जो ये एनालिसिस हमारा है वहां पे, यानी जब तक ये नहीं होता है, कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो बनाने दीजिए, एक बार लोअर हाई को तोड़ के हायर हाई बनाएगा, उसके बाद एक लो बनाएगा जो लो होगा हायर देन द प्रीवियस, सिंपल डाउ थ्योरी, नथिंग एल्स, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपलेस्ट ऑफ द एनालिसिस है। मैं यहाँ पे कोई बड़े बड़े ज्ञान नहीं, तो सिंपलेस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक हो गया, अभी इस वक्त में मेरे दिमाग में क्या है, अभी 22 मई को जो हम एनालिसिस किए थे उस टाइम पे मेरा दिमाग में क्या था एंड करेंटली मेरा दिमाग में क्या है। करेंटली मेरा दिमाग में यही है कि हायर हाई हायर लो बनना नहीं चाहिए। एक दूसरा, जैसे जैसे लोअर हाई लोअर लो बनता रहेगा हम शॉर्ट साइड से खेलते रहे, तो ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट को मैं देखने का प्रयास करता हूँ। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए मैं आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो। इफ सो आपको लगता है कि इसमें आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है, आप जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, जिन लोगों को ज्यादा कुछ आते नहीं है एंड मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है, उन लोगों आपका अगर वैल्यू एडिशन हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। आपका कोई क्वेरीज है प्लीज राइट ऑन द कमेंट्स, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, मेरे को जितना थोड़ा बहुत आता है आई एम रेडी टू शेयर इट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।